हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुबह व खैर नहीं, आफ्टरनून हो गया, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और आज ईद है मुस्लिम्स की, तो मेरी तरफ से उनको ईद मुबारक, उनको और उनके घर वालों को, अल्लाह पाक उनके साथ हो, उनके इस दिन में वो जहाँ पे भी जाए सेफली जाए, वापस आए सेफली आए। और आज मैं सुबह सुबह जब उठी, मैंने पहले सोचा था कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ छोटा सा, क्योंकि आजकल मैंने दिल करता है मेरा ब्लॉग बनाने को। और सुबह उठी हूँ, जब तो उठते साथ मैंने ब्रेकफास्ट किया, फिर हम लोग चले गए मेरे भाई के बेटे को देखने के लिए हॉस्पिटल, उनके लिए ब्रेकफास्ट लेके गए थे, तो उनको जाके दिया कराया ब्रेकफास्ट। और अभी घर वापस आया 12 बजे। अब मेरे को नींद सी आ रही थी, रात को भी मैं जल्दी सोई हूँ फिर भी नींद आ रही है, तो अभी मैं सोऊंगी और फिर उनको उठ के आपको बताऊंगी कि मैंने क्या किया। बाय बाय। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सो आज की वीडियो मैंने इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दूँ। मैं शुमाइला हूँ, मेरा नाम जो है सिंधु है, कास्ट मेरी है जो, और मैं मेरी अम्मी है, मेरे अबू नहीं आए इस दुनिया में, और मेरे दो भाई हैं, दोनों मैरिड हैं, दो बड़ी सिस्टर्स मैरिड हैं, और मैं और मेरे से जो एल्डर सिस्टर है ना मेरी, वो हम दोनों अनमैरिड हैं। और हम लोग दोनों जॉब करती हैं। जॉब क्या करती है, मैं करती हूँ कॉल सेंटर, जाती हूँ, ये लिंक रोड पे है। और बड़ी सिस्टर जो है वो सैलून का करती हूँ, नेल आर्ट करती हैं। और क्या, और मुझे फास्ट फूड बहुत पसंद है, और मैं घर में से सबसे छोटी हूँ, और नाडली तो नहीं कह सकते मुझे, बस थोड़ी थोड़ी बात मानी जाती है कुछ कुछ, अगर कोई लड़ाई कर दूँ तो, मतलब मैं बहुत लड़ाकू हूँ, मेरे को गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है, मतलब मेरे को छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। कोई मुझे कोई भी बात करते, ऑर्डर ही कर देना, ये मुझे कर दे या मेरी शर्ट प्रेस कर दे या कुछ भी, तो मेरे को गुस्सा आ जाता है। और अगर मैंने किसी का काम करना होता है तो कहती हूँ पहले मुझे पैसे दो फिर मैं काम करूँगी, मतलब मैं ऐसी छोटी हूँ ना सबसे, इसलिए लाडली थोड़ी सी और थोड़ी सी नटखट व्हाटएवर। तो क्या, और मेरी तरफ से सब जो मुस्लिम्स बहन भाई हैं मेरे, और उन सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक, और अल्लाह पाक आपकी खुशियों में इजाफा करे, आपको खुश रखे हमेशा, आपको कभी किसी चीज़ की कमी ना आए, आप हमेशा देने वाले बने ना के लेने वाले, आप खुश रहें। मेरी सारी दुआएं आपके साथ हैं।